हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, जो 370 आर्टिकल अपना आया है, हट गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। तो उसमें उन्होंने एक केस को मेंशन किया है, जो है आपका एसआर बोमई केस। तो ये बोमई जजमेंट क्या है, व्हाट वाज द बोमई जजमेंट विच द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन इट्स रूलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी उसका यूज़ किया है, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसमें 9 जज बेंच था, तो इसकी बात माननी थी, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट डिसीजन आया है, इसमें 5 जज बेंच है, तो ज़्यादा जजेस थे उसमें, तो उसकी बात माननी है। अब इसको हटाने के लिए, इसको ना मानने के लिए, कम से कम आपके पास 11 बेंच जज होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इन द अपहोल्डिंग ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिलाइड हेविली ऑन द लैंडमार्क 1994 जजमेंट इन द एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस केस एंड हाउ डज इट रिलेट जम्मू एंड कश्मीर चैलेंज। तो क्या है केस, द केस देखते हैं क्या है केस। इन बोमई, अ 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डिफाइंड एज अ कॉन्टोर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 356 कंटेन्स प्रोविजन, इन केस द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स इंक्लूडिंग दैट फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉल हो जाए, मशीनरी फॉल हो जाए, काम ना करे, फेल हो जाए, तो आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हो आर्टिकल 356 के थ्रू। व्हाइल ऑल 9 जजेस अपहेल्ड द प्रोविजन, द कोर्ट रूल दैट द प्रेसिडेंट डिसीजन वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो इन्होंने बोला है, कोई भी काम कर लो, प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला रहेगा, हम उसको बताएंगे कि वो गलत है कि सही है। बोमई इज ए स्टिल सेटल्ड लॉ ऑन वेन द हाउ प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज एंड वॉज इन्वोक इन रिसेंट केस इन उत्तराखंड 2016 एंड अरुणाचल प्रदेश 2016, बोथ ऑफ विच वर ओवरटर्न्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस बहुत सेटल्ड लॉ है, इसके थ्रू अब डेली कभी ना कभी यूज़ हो जाता है, जैसे 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में इसका यूज़ किया गया था। बैकग्राउंड क्या है, इन 1989 द सेंटर डिसमिसेस द जनता दल लेड कर्नाटका गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। तो सेंटर ने, आप देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगा के जनता दल जो कर्नाटका में रूल कर रही थी उसको हटा दिया था। आफ्टर एलिजली रिसीविंग 19 लेटर्स फ्रॉम एमएलए विदड्रॉइंग देयर सपोर्ट टू चीफ मिनिस्टर एस आर बोमई गवर्नमेंट, द देन कर्नाटका गवर्नमेंट पी वेंका सुब्बैया रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट दैट ही टेक ओवर द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ही साइटेड टू रीजन, फर्स्ट दैट बोमई डिड नॉट कमांड अ मेजोरिटी एंड हेंस इट वॉज इनअप्रोप्रिएट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिम टू कंटिन्यू। सेकेंड क्या था, नो अदर पार्टी वॉज इन पोजिशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। इन्होंने दो कंडीशन दे दिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखिए, दिस मूव हाउएवर वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल था, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग वुड लेटर नोट दैट द गवर्नर डिड नॉट असेंटेन द व्यू ऑफ एस आर बोमई बिफोर मेकिंग द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। इन फैक्ट 7 out of 19 लेजिस्लेचर हु एलिजली विदड्रू सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वुड सून मेक यू टर्न कंप्लेनिंग देयर सिग्नेचर्स वर ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। द वर्डिक्ट, अब वर्डिक्ट ने क्या बोला, डिसीजन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू में होगा, ठीक है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ लीगैलिटी, मेलाफाइड, एक्स्ट्रानीशियस कंसिडरेशन, अब्यूज ऑफ पावर एंड फ्रॉड, ये सारे ग्राउंड्स होंगे जिस पे जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा आपका। व्हाइल द प्रेसिडेंट्स अप्रेजल ऑफ इशू कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, द कोर्ट सेड द मटेरियल रिलाइड फॉर विच मेकिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिव्यूड। द वर्डिक्ट ऑल्सो मेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेसेसरी फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए पार्लियामेंट्री आपका अप्रूवल चाहिए ही। Only after the proclamation is approved by both House of Parliament can be President exercise the power. जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग ये अप्रूव कर दे, तभी ये चीज़ अप्लाई की जाएगी। Till then the President can only suspend the state legislature. तब तक सिर्फ सस्पेंशन में रहेंगे। If Parliament did not approve the proclamation within 2 months, the dismissed government would stand revived. तो 2 महीने में अगर ये पास नहीं होगा, तो जो गवर्नमेंट है आपकी, वो उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है आपका नॉर्मल काम करेगी आपका, ठीक है।
जस्ट अ सेकंड। द रूलिंग ऑल्सो ड्रू रेड लाइन फॉर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। क्या है? द फैक्ट अंडर द स्कीम फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन सेंटर विज़ावेस द स्टेट डज नॉट मीन दैट द स्टेट्स आर मियर अपेंडेजेस ऑफ द सेंटर। जस्टिस जीवन रेड्डी रोट इन हिज ओपिनियन। ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सेंटर जो स्टेट है वो सेंटर के नीचे ही है हमेशा, ऐसा इन्होंने जीवन रेड्डी ने बोल दिया। द सेंटर कैन नॉट टेम्पर विद देयर पावर। तो सेंटर जो है उनके पावर के साथ नहीं खेल सकता। मोर पर्टिकुलरली द कोर्ट शुड नॉट अडॉप्ट एन अप्रोच एन इंटरप्रिटेशन विच हैज़ द इफेक्ट और टेंड टू हैव द इफेक्ट ऑफ वेटिंग डाउन द पावर रिजर्व टू द स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय अलोक प्रसाद कुमार सीनियर रेसिडेंट फेलो एट विधि कर्नाटका द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ड्रेस्टिकली डिक्रीज आफ्टर द बोमई वर्डिक्ट। बिटवीन जनवरी 1950 एंड मार्च 1994 प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज 100 टाइम्स ऑन एन एवरेज 2.5 टाइम्स अ ईयर। बिटवीन 1995 एंड 21 इट हैज़ बीन अपोज 29 टाइम्स और अ लिटिल मोर देन वंस अ ईयर। तो पहले साल में 2.5 बार लगता था, अब साल में 1 बार लग रहा है। तो दोनों में आप देखो बोमई केस से ये डिफरेंस आया है। तो कश्मीर का क्या लेना देना यार, कश्मीर का इसमें क्या इशू है? अभी तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका की बात क्यों करने लगे, बोमई केस क्यों? इसलिए देखो, अ की क्वेश्चन इन द कश्मीर केस वॉज वेदर द आर्टिकल 370 कुड हैव बीन एब्रोगेटेड व्हेन द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। हियर द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन द बोमई रूलिंग टू होल्ड दैट द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। द कोर्ट सेड दैट द बोमई रूलिंग held that the actions taken by presidents after issuing a proclamation are subject to judicial review, but the judges adopted varying standards to test the validity of the executive order. The court cited two, one by Justice P.B. Sawant and another by Justice Reddy. Justice Sawant had set the standard of whether the exercise of power was malafide or palpably irrational, while Justice Reddy observed that the advisability and necessity of the action must be borne in the mind by the president. तो अब देखो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आर्टिकल तो बड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एसआर बोमई केस। ठीक है, किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड है। आर्टिकल क्या है इसका? 356 है। ठीक है, आर्टिकल 356 है और 9 जज थे इसमें। कब था? 1994 में। कौन से स्टेट से रिलेटेड था? कर्नाटका से। ठीक है, इसमें ये भी बोल दिया गया प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगा, हमारा जब मन करेगा हम प्रेसिडेंट के उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड आपने हमने देख लिया एसआर बोमई का क्या था, वर्डिक्ट क्या था कि यही था कि जब तक इसमें देखो वर्डिक्ट क्या है, लोकसभा राज्यसभा जब तक ये दोनों हाउस पास ना करें तब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, इनका पास करना ज़रूरी है, और जब तक पास ना करें वहाँ पे बस जो स्टेट असेंबली होगी उनकी वो डिसमिस रहेगी। ठीक है, डिसमिस रहेगी। दूसरा, 2 मंथ तक अगर नहीं हो रहा है तो वापस से इसको अप्रूवल मिल जाएगा अपने आप ही, ये वापस से पावर में आ जाएंगी और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो 2 मंथ्स का यहाँ पर टाइम मिलेगा, आप देखिए 2 मंथ्स है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या केस है कि क्या ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, एसआर बोमई केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है ये चीज़, सिंपल सी बात है, बस यही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।